इसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या कर सकती है, इसका फैसला कोर्ट करेगी। देखिए इंस्पेक्टर, आपको अरेस्ट करना है, आप अरेस्ट कीजिए, लेकिन मैं परी और नीति दोनों को जानता हूँ। एक बार नीति गलत काम करेगी, परी गलत काम कभी नहीं करेगी। आपसे किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ठीक है? सुनो, आप इतना गुस्सा मत करो। पुलिस को अपने घर में देखकर ना, हम जैसे शरीफ लोग वैसे ही घबरा जाते हैं, तो अब आप इतना गुस्सा करेंगी तो हम लोग तो सब बीमार पड़ जाएंगे। अरे आंटी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं मानती हूँ ये लड़की में ना कुछ खराबी जरूर है, तभी तो इसकी शादी में इतनी अड़चने आ रही है। मैं खुद इसे पसंद नहीं करती हूँ, पर बेटा किसी का खून करने की कोशिश ये लड़की नहीं कर सकती है, मैं गारंटी देती हूँ इसकी। इंस्पेक्टर साहिबा, परी ऐसी लड़की नहीं है। देखिए, हम लोग शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, हम कानून की, पुलिस की बहुत इज्जत करते हैं। देखिए, इस केस में ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरी माँ और बेबे ने जब बोल दिया है ना कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इनको तो परी पसंद नहीं, तब भी वो ये कह रहे हैं, तो मैं इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि परी ऐसा नहीं कर सकती है। हम सब परी के साथ है, पूरा परिवार परी के साथ है। सच में आपको कुछ कहना है तो आप भी कह दीजिए अपनी बीबी की सफाई में। जी, मुझे भी कहना है, और जो मेरा पूरा परिवार कह रहा है ना, मैं भी वही कहूंगा। परी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इनफैक्ट परी ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं कर सकती है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ, अपनी बीवी के साथ हूँ। चलो भाई, सबका हो गया, या और किसी का कुछ बचा है इसकी सफाई के बारे में? तुम्हें कुछ नहीं कहना है अपनी सफाई में? नीति ठीक तो है ना? हम जब उसे हॉस्पिटल में छोड़ के आए थे तब उसे होश नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि चिंता वाली कोई बात नहीं है। काफी देर हो गई है, कोई खबर नहीं आई है उसकी, वो ठीक है ना? वो कैसी है कैसी नहीं है ये खबर देने मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं हॉस्पिटल से नहीं आ रही हूँ, मेरे पास कम्प्लेन आई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। कम्प्लेन? जब नीति को कुछ हुआ ही नहीं तो किस बात की कम्प्लेन? एक सेकेंड, क्या ये कम्प्लेन सुखविंदर जी ने, यानी की नीति की मम्मी ने की है? मैं भी उनसे बात करता हूँ, ये झूठी कम्प्लेन उन्होंने की होगी। देखिए, आप लोगों को शायद पता नहीं है, जब आप दोनों नीलगिरी की गुफा में फंस गए थे, तब आपकी फैमिली से कोई डैम मैनेजर के पास गया था उनसे पानी बंद करने की रिक्वेस्ट करने के लिए। हाँ, मैं गया था। उसने थोड़ा टाइम भी दिया, लेकिन बाद में पानी आना शुरू हो गया। फिर आपकी फैमिली से कोई डैम मैनेजर के पास गया और रिक्वेस्ट किया कि पानी बंद कर दीजिए। उसके बाद डैम मैनेजर ने अपने स्टाफ को भेजा उस नीलगिरी गुफा में, और उसने वहाँ नीति को भी देखा। जो बात आपकी फैमिली ने डैम मैनेजर को नहीं बताई थी, खैर उसके बाद जो रिकॉर्ड हुआ वो बहुत ही डरावना है, और हमारे पास पक्का सबूत है परी के गुनाह का। और उसे सजा तो कोर्ट दे के रहेगी। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग बीच में ना आए, हमें हमारा काम करने दीजिए। वर्षा, अरेस्ट करो परी को। आप परी को ऐसे नहीं लेके जा सकती, हम सब परी के साथ हैं। आप जैसे सोचिए, ऐसा परी ने कुछ नहीं किया है। हम आप लोगों को परी को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे, बस। आप उसे ऐसे नहीं ले जा सकती। ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, मजाक समझ रही है? इसने जो किया है इसकी सजा इससे ही मिलेगी ना। एक मिनट, आप लोग जो जहाँ है वहीं खड़े रहिए। अब किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया ना, सबको उठा के जेल में डालूंगी। जानते नहीं है आप सब मुझे? तुम लोगों को सबूत चाहिए ना, देती हूँ सबूत मैं। वर्षा, जो तुम्हें डैम मैनेजर ने एक वीडियो दी थी ना, दिखाओ इन सबको। टीवी किधर है? वो हटिए। वीडियो? देखिए, देख लिया आप सबने? अब तो यकीन हो गया ना मुझ पे? लेकिन मैं उसे मार नहीं रही थी, मैं उसे बचा रही थी। ऐसे कौन किसी को बचाता है? देखिए मैम, परी ना नीति को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। ये दोनों तो बहनें हैं,
इन दोनों में एक दूसरे की जान बचती है। और ये जो आपने वीडियो में देखा ना, ये सच में ना नीति को बचाने की कोशिश करी थी। एक सेकंड छोड़िए प्लीज। देखिए मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था। मैं और परी जब गुफा से निकल रहे थे तो हमने पानी में खून देखा था। परी ने मुझे कहा कि चल के एक बार नीति को देखते हैं, हालांकि मैंने मना कर दिया कि मुझे नीति को नहीं देखना है। लेकिन फिर भी परी ने मुझे फोर्स किया और हम लोग वापस गए। लेकिन हमने वहाँ देखा कि नीति पानी में डूब चुकी थी और हम उसे ढूंढ ही रहे थे और वो हमें मिल भी गई। फिर हमने उसे गुफा से बाहर निकाला और उसे हॉस्पिटल लेके चले गए और वहाँ उसे एडमिट करा दिया। इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया है। देखिए मिस्टर बाजवा, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जो आपने देखा वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि जब आप वहाँ पे नहीं थे तो आपकी बीवी परी ने नीति को मारने की कोशिश की थी। मैम ये सरासर झूठ है और कुछ नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो सच्चाई है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ मैम, आप ये जो देख रही है ना, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। नीति में तो मेरी जान बचती है, मैं उसकी जान लेने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। आप ये जो देख रही है ना, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था। मतलब जो हम देख रहे हैं वो नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बंद करो अपनी ये कहानी। इसका मतलब ये, इसका मतलब वो, जो कुछ भी उस गुफा में हुआ था दिख रहा है ना वो स्क्रीन पे। तुमने नीति को मारने की कोशिश की है और इसकी सजा तुम्हें अदालत देगी ही देगी। वर्षा गिरफ्तार करो इसे। अरे आप हमारे बात को सुनो, ये गलत है। आप लोग कैसे ऐसे अरेस्ट कर सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं? अब किसी ने भी मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोका ना, इसके साथ तुम सबको उठा के जेल में डाल दूंगी। चलो बहन जी, तुसी कह रही थी परी जैसी कुड़ी किस्मत से मिलती है, पर रब करे ऐसी कुड़ी किसी को ना मिले। सच कहा, बस नाम की ही परी है और काम तो सारा। बस कीजिए आप लोग, अगर अब एक शब्द भी परी के खिलाफ निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग परी की तारीफें कर रहे थे, परी ऐसी परी वैसी, और अब अचानक क्या हो गया आप लोग को? हमारा मुंह तो आप बंद कर दोगी, पर बाकी लोगों का क्या? कैसी दोस्त है परी जो अपनी ही दोस्त की जान लेने पर उतर गई? चलो चलो बहन जी, पता नहीं यहाँ और क्या क्या होने वाला है। जब परी अपनी दोस्त की जान लेने की कोशिश कर सकती है तो पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या ही करेंगे। बस कीजिए आप लोग, कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? चले जाइए यहाँ से। हम तो जा रहे हैं, कौन सा यहाँ रहने आ गए हैं? पर साफ साफ दिख रहा है वीडियो में परी किस तरह की लड़की है। जाइए यहाँ से। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बोलती हूँ कि डायन भी एक घर छोड़ देती है, और वैसे भी परी से पहले तो नीति ही इस घर की बहू थी, तो फिर परी को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जा रहे हैं हम लोग। चलिए बहन जी, चलिए भाई लोग। हाँ, प्लीज जाइए, सब जाइए। पता नहीं मेरी दी के साथ क्या होगा। पुत्र कुछ नहीं होगा तेरी दी को, हम सब हैं ना उसके साथ, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, समझी तू? लेकिन इससे पहले हमें नीति से मिलना होगा। चंद्रिका तो बिल्कुल सही कह रही थी, ऐसा उसी का किया धरा है, तो चल मेरे नाल। ले चलो इसे। पैरों में मेहंदी लगी है तेरे? बात सुनिए, बात समझिए, कोशिश की क्या करें? अरे अरे अभी आराम से, तुम ठीक हो? क्या बदतमीजी है ये, मेरे काम में कोई दखल अंदाजी करे मुझे बिल्कुल पसंद। कौन से काम की बात कर रही हैं आप? अगर ये गिर जाती, इनको चोट लग जाती तो? गिर जाती तो मर नहीं जाती। ऐसे बात कर रहे हो आप? आपको तमीज नहीं बात करने की? मैं क्रिमिनल से इसी तरीके से बात करती हूं। नहीं है ये। ए हीरो, आवाज नीचे कर के बात कर। तुम ऐसे मैडम से बात नहीं कर सकते। आपसे बात कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ ना। धीरे बोल। अच्छा, इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो तुम? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है इस पे। इल्जाम लगा है, प्रूव नहीं हुआ है। जिस दिन प्रूव हो जाएगा उस दिन बात करेंगे, तब तक के लिए आप परी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यस बाय द वे, ये प्रेग्नेंट है, शी नीड्स एक्स्ट्रा केयर। आपके अंदर इंसानियत है या वो भी मैं सिखाऊं? अब मुझे मेरी ड्यूटी तुम सिखाओगे? अगर आप और आपकी टीम वर्दी पहनकर गलती करेंगे तो हम आपको टोकेंगे, वरना पहले अपनी टीम से कहती थी परी के साथ ठीक से पेश आए। वो इंसान है, जानवर नहीं है। जो इंसान अपनी दोस्त को मारने की कोशिश करेगी वो जानवर ही है। मैम आप अपनी हद पार कर रही हैं। आप अपनी हद पार कर रहे हो, आप मैडम से ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझे मेरी ड्यूटी मत बताना, वरना। वरना क्या, मारेंगी, मारिए। देखिए पुलिस ना पब्लिक की हेल्प के लिए होती है, तंग करने के लिए नहीं, उल्टा आपको हमारी मदद करनी चाहिए। इनसे हेल्प की उम्मीद करना ना बेकार है, इन लोगों ने तो परी भाभी को ऑलरेडी क्रिमिनल मान लिया। पुलिस पब्लिक की हेल्प करती है, क्रिमिनल्स की नहीं। और वैसे भी मैं इस लड़की को
ले जाके नीति की हेल्प ही कर रही हूँ। आप इसकी जान के पीछे क्यों पड़ गई हैं? मुझे पता है कि ऐसा नहीं कर सकती है। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? किसने कुछ नहीं किया है? हर अपराधी के घर वाले यही बोलते हैं। हो सकता है इसने किया और आप लोगों को पता ना हो। आप चाहे कुछ भी कहें, बट मैं जानता हूँ कि मेरी परी ऐसी नहीं है। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब तुम्हें जो भी मुझसे बात करनी है या अपनी बीवी से, पुलिस स्टेशन में आके करना। मेरा एक मिनट भी बर्बाद किया ना तो इसके साथ साथ तुम्हें भी उठा के अंदर बंद कर दूंगी। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ऐसा तो नहीं चाहते हो, राइट? बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम आपका। राजी। गुड, वेरी गुड। ले चलो इसे। चल लड़की, ड्रामा करके रखा है। चल अंदर। डॉक्टर सुनिए, मेरी बच्ची को क्या हुआ डॉक्टर? वो मैंने इंजेक्शंस दे दिए हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। पर हुआ क्या है उसे? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? कुछ बोलती है फिर बेहोश हो जाती है। आप बताइए ना कब ठीक होगी डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए ना। जल्द ही। आप प्लीज थोड़ा शांत रहिए और भगवान से दुआ कीजिए। बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है वो, थोड़ा टाइम लगेगा। बस उसे आराम करने दीजिए और किसी भी तरह का स्ट्रेस मत होने दीजिएगा, उनकी जान के लिए ठीक नहीं होगा। नीति, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे पुत्र? हमेशा बातें करती रहती थी, मैं बोलती थी नीति कम बोला कर, थोड़ा कम बोला कर, लेकिन पुत्र तूने तो बोलना ही बंद कर दिया। नीति, अपनी माँ से इस तरह नाराज नहीं होते पुत्र, समझ भी नहीं सकती कितना मजबूर महसूस कर रही हूँ मैं। तू मेरे सामने है लेकिन तुझे अपने सीने से नहीं चिपका सकती, तेरा दर्द कम नहीं कर सकती मैं। तू बात करना मुझसे, बताना मुझे क्या हुआ। रब्बा, क्यों कर रहे हो मेरी बच्ची के साथ ऐसा? कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो मुझे और मेरी बच्ची को? मुझसे बदकिस्मत में कोई नहीं होगी जो अपनी बच्ची को ऐसे मौत के मुंह से लड़ता हुआ देख रही और कुछ नहीं कर पा रही उसके लिए, कुछ नहीं कर पा रही। संजू तो बिल्कुल चिंता ना कर, वो कभी कभी पुलिस और कानून से ना गलती हो जाती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। वो हम सब मिलकर कानून के सामने सच को ले आएंगे और सब ठीक हो जाना। तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। दाऊ जी सही कह रहे हैं संजू, परेशान ना हो। पर तुम लोग यहाँ क्यों आए? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग ऐसे की कर रहे हो? अब तक तो आप लोगों को जाना चाहिए था। अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा मैंने बताओ, मैं अपनी बेटी को ऐसे जेल जाते हुए नहीं देख सकती। ओ मम्मी घबरा मत, जैसे परी तेरी बच्ची वैसे हमारी भी है, ओ हम सब मिलकर उसे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे, तो चिंता ना कर। पापा जी आई एम सॉरी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना एकदम गलत हो रहा है। पुलिस के पास प्रूफ है परी के अगेंस्ट में, मुझे आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना, लेकिन जो सच है वो सच है ना। बस ऐसे सिर्फ दलजीत ही है जो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोच रहा है, बाकी तो सब। गुरिंदर जाने दे, हर किसी के पास ना दिलजीत जैसी हिम्मत नहीं होती जो सच देखकर भी ना उसे अनदेखा ना करे, सच सबके सामने बोलने की हिम्मत रखे। ये पम्मी के जैसे नहीं और ये संजू और अमित के जैसे नहीं जिन्होंने ना आंख में पट्टी बांध के रखी हुई है, परी के प्रेम की पट्टी। अरे वो तो गलत भी कर ले, किसी का खून भी सामने सामने कर लेना, फिर भी परी गलत नहीं हो सकती है उनके सामने। लगाव जो है सबका उसके साथ, इसीलिए तो अपना सिर मत खपा। आप दोनों ना तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना और ना ही वकील के पास। क्यों भरजाई जी? क्योंकि आप लोग दिल से तो सोच ही नहीं रहे ना, दिमाग से सोच रहे हैं और जो दिमाग कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। तेरा
बोलना बहुत जरूरी है क्या? कभी कभी तो मैनू ऐसा लगता है कि मैं तेरी बहू हूँ और तू मेरी सास है। जब देखो बस मुझे ज्ञान देने बैठ जाती है। मैंने तो समझ नहीं आ रहा कि मैं की करूं इस लड़की का। माँ प्लीज शांत हो जाओ, अभी बहस करने का टाइम नहीं है। ऑलरेडी चीजें खराब है, आप लोग क्यों? गाड़ी आ गई, चलो चलो बैठो गाड़ी में। अच्छा चल मोंटी जल्दी कर। मैं बेबन हूं तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन गुरिंदर तू आज मुझसे दूर ही रहना। चंद्रिका छति टैक्सी बुलवा, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। ताई जी टैक्सी नहीं मिलेगी, मैं दूसरी गाड़ी निकाल लेती हूँ। पर तू? मैं अच्छे से चला लूंगी, चिंता मत करो। चल छति चल। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। जाने देना जहाँ जाना चाहती है। हम लोग नीति के पास चलते हैं, चल ना। आजा 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 चल। वर्षा डाल दो इसको लॉकअप में। मैडम मैडम सच में मैंने कुछ नहीं किया है, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। नीति तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना? थी नहीं मैडम, है। नीति अब भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसा है परी, हमें कोई शौक नहीं है सुबह सुबह नई नवेली दुल्हन को उठा के यहाँ पे लाने का। किसी को अरेस्ट करने से पहले हम अपने लेवल पे बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और मैंने भी अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है। और तुम्हारे और नीति दोनों के बारे में बहुत कुछ मुझे पता है। बहुत कुछ नहीं जानती है आप, कुछ नहीं जानती है। और जो आपने सुना होगा ना, सिर्फ शब्दों को सुना होगा, पर नीति मेरे लिए क्या है आपको कोई और कैसे बता सकता है? नीति के लिए मेरे दिल में क्या है, मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, मेरी एहसास है वो, जिसने बचपन से लेके आज तक हम दोनों को बांधे रखा है, वो आप किसी दूसरे के शब्दों में कैसे समझ सकती है? मैडम मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नीति को कभी मारने की कोशिश नहीं कर सकती हूँ, उसमें मेरी जान बसती है। बातें अच्छी कर लेती हो, इसी दुनिया से आई हो या किसी और दुनिया से? जिसके अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में यहाँ पे आई हो, उसी को अपनी जान बता रही हो? इंटरेस्टिंग। मुझे पूरा यकीन है नीति कभी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छे से जानती है अपनी परी को। बंद करो इसे। हेलो मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। संजय फिक्र ना कर, वकील साहब नाल मेरी गल हो गई है, जब तक हम उनके ऑफिस पहुंचेंगे वो भी पहुंच जाएंगे। अब सवेरे सवेरे 7 बजे किसी को डिस्टर्ब करना चंगा तो नहीं लगता, पर हम कर भी कह सकते हैं। मोंटी गाड़ी रोक। ताऊ जी आप लोग लोअर के पास जाओ, तब तक मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ परी के पास, उसे किसी अपने की जरूरत होगी। हाँ वीर जी आप ड्राइव कर लो, मैं वीरे के साथ होके आता हूँ। नहीं रुक मोंटी, हमें लॉयर के पास ड्रॉप करने के बाद तू मेरे ऑफिस जाएगा, वहाँ पे इस केस की फाइल है वो लेके आएगा, बहुत अर्जेंट है वो। तो फिर दलजीत जी तू एक काम कर, संजू के नाल जा, अभी वो गुस्से में है, कहीं फिर वो उस इंस्पेक्टर के साथ उलझ ना जाए। नहीं 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 ताऊ जी मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। संजू मैं तेरे साथ चलता हूँ, कुछ जरूरत पड़ी तो हेल्प कर दूंगा। चल ये टैक्सी लेने गई है या टैक्सी बनाने गई है? हाथ धो गई है। हाय रब्बा कोई ऑटो रुक ही नहीं रहा बेबे। तुझसे ना कुछ नहीं होता, कितनी देर से यहाँ सड़क पर खड़े हुए हैं, ना एक टैक्सी रोक पाई है ना एक ऑटो रोक पाई है। एक काम कर बैलगाड़ी ही मंगवा दे, कम से कम ये भ्रम तो टूट जाएगा ना कि हमसे कुछ नहीं हो सकता। बेबे इन दिनों मेरे इतने भ्रम टूटे हैं ना कि की बतावा मैं, लेकिन आज जो भ्रम टूटा है ना मेरा, पिछले सारे भ्रम मैनु लग रहे हैं कि कुछ मायने ही नहीं रखते उसके सामने। हाय रब्बा ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा भ्रम तेरा टूट गया है गुरिंदर? बेबे मैं सोचती थी हमेशा कि परी ना बहुत अच्छी कुड़ी है, सुशील सुंदर सबको प्यार करने वाली, सबका आदर सम्मान करने वाली, लेकिन नहीं आज जो मैंने देखा, आज जो पता लगा मैनू, आज जो मेरा भ्रम टूटा है ना मैनू, इतने जोर का झटका लगा है कि 7 जन्मों तक ना मैं कभी सदमे से बाहर ही नहीं आ पाऊंगी। तुम लोगों को आज पता चला है? तुम लोगों का भ्रम तो आज टूटा है, लेकिन मुझे तो पहले दिन से ही पता था। मैं बोल बोल के थक गई थी कि भाई इसकी असलियत समझो, ये ऐसी है नहीं जैसी दिखती है, लेकिन ना किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। और हाँ ये जो तुम लोगों को झटका लगा है ना, ये मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती थी ये लड़की है क्या चीज। वो सब ठीक है बेबे, पर मैनू तो अपने पुत्र की किस्मत पे रोना आ रहा है। Excuse me, ma'am. Ma'am, मुझे प्लीज परी से मिलने दीजिए प्लीज। मैंने परमिशन दी नहीं है अभी,
मैम वही तो मैं आपसे मांग रहा हूँ, आपने हमारी हमारी बात घर पे भी नहीं सुनी थी, बस 5 मिनट मिलने दीजिए प्लीज, 5 मिनट, आई प्रॉमिस 5 मिनट से ऊपर नहीं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, जो भी कहना है सुनना है कह सुन लो। थैंक यू मैम। राजीव मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने अच्छे से वीडियो देखा था ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया। और अगर मैंने वीडियो नहीं भी देखा होता ना तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने कुछ नहीं किया। आई ट्रस्ट यू, रिलैक्स।